और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए, विच इज़ हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो ये सवाल हम सबके मन में होता है कि कितने का है फ्लैट। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर व्लॉग। आई एम वीशी एंड यू आर वेलकम बैक टू अवर चैनल। वापस आ गए हम एक प्रॉपर्टी रिव्यू लेकर के। आज हम जाने वाले हैं मना डेल सरजापुर में, जो नया नया बन रहा है। ये आपका मना डेल का प्रॉपर्टी, जहाँ पे बाकी मकासा SR63, आदर्श सेंचुरी, आपका गोदरेज, ये सारे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो ये एरिया तो बूम पे है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत नया आ रहा है सरजापुर में, एडजेसेंट टू SR63, तो इसीलिए आज हम विजिट करने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। फिलहाल काफी अच्छा मौसम हो रखा है बैंगलोर का, बारिश की संभावना है तो बारिश भी हो सकती है। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी रिव्यू था वो मैंने ऐसे ही किया था कैजुअली चैनल पे, और वो काफ़ी अच्छा गया, जो बहुत अप्रिशिएट हुआ है। लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप ऐसे और करो, नए नए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो भी है बैंगलोर के आप दिखाओ, इसके बारे में बताओ। तो इसीलिए मैं आज हम ये प्रॉपर्टी का रिव्यू करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच वीडियोज़ एंड डू कॉमेंट इफ़ यू लाइक। फिलहाल लेट्स गो। इसने तो मस्त अपना रोड बना लिया। हाँ, खुद का पूरा अंदर ही एक रोड बना लिया। यहाँ से स्टार्ट है मना का अपार्टमेंट, चल के देखते हैं मार्केटिंग ऑफिस। फिलहाल यहाँ पार्किंग कर देते हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज का, आप देख रहे हो। हाँ, पार्किंग अंदर ही है ना, हम लोग बाहर सोचे थे। मना डेल तो ये भी बड़ी सोसाइटी लग रही है, तो सोचा कि एक बार देख कर आते हैं। यहाँ सेल्स लाउंज है, पता होता करके आते कितना स्क्वायर फीट चल रहा है, कितना एरिया है, कब तक का पोजेशन है एंड सब कुछ। तो यहाँ कुछ लोगों ने ज़रूर विज़िट किया है, आज सैटरडे का दिन है। तो ये देखिए, अभी हम जाके अंदर पता करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। ओके, तो ये इनका मार्केटिंग ऑफिस है। मार्केटिंग ऑफिस तो अट्रैक्टिव बना ही देते हैं ताकि लोग आए और अट्रैक्ट होके जल्दी से बुकिंग कर लें। फिलहाल अंदर चलते हैं। ओके, तो ये इसका मॉडल हाउस प्रिपेयर ही हो रहा है अभी, तो आई थिंक ये पूरा रेडी होने में तो लगेगा टाइम। हम थोड़ा अर्ली विजिट कर लिया, बट आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से दिखा सकती हूँ। अभी काम चल ही रहा है, ये इनका मास्टर बेडरूम है, 3 BHK का ये मॉडल अपार्टमेंट है। ये एक रूम है, वॉशरूम इसमें भी है, इसमें भी है वॉशरूम, और ये कॉमन वाला है। 3 वॉशरूम है, नहीं नहीं इसके अंदर भी एक है। रूम वगैरह छोटा, लेकिन ये किचन ओपन किचन है। यूटिलिटी के लिए अलग दे दिया, ये दे दिया, ये कंबाइन है इनका। फ्लोर प्लान हम सुन रहे हैं सेल्स गाय से, एरिया आपको 1822 का है एंड ये उनका स्ट्रक्चर है, नया नया है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखते थे। सो इट इज़ मना डेल, लॉट ऑफ ग्रीनरी इन दिस एरिया। किस किन का छोटा हो जाएगा? 28 बनाएंगे ना ये लोग, G+28 का प्लान है माना डेल में। इनका एक बड़ा है क्या? क्या बड़ा इनका चला जाए तो, ये इनका ओपन स्पेस है, वो बाजू में जस्ट एडजेसेंट SR63 का प्रॉपर्टी है जो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। लेट्स गो। फर्स्ट हम मना डेल देख के और आपको दिखा के निकल रहे हैं, बहुत ही नया नया आया है। आप कुछ कहना चाहोगे पति, कैसा लगा आपको इनका लेआउट एंड प्लान, फ्लोर प्लान? ठीक है, ठीक ही है। ओके, तो बेसिकली इसमें ना 3 BHK का 3 स्क्वायर फीट में निकाला है, 1660, 1720 एंड 1882। तो अच्छा ही स्क्वायर फीट है 3 का, और अभी तक इनका मॉडल हाउस है वो रेडी नहीं हुआ है, तो बन रहा है। तो आपने देखा ये रोड जा रहा है पूरा उनका, तो सेल्स ऑफिस भी अभी बना है, पहले ये नहीं था यहाँ पे, बहुत ही रिसेंटली आ रहा है प्रोजेक्ट यहाँ पे मना डेल। मना डेल इज़ अ गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली, अच्छा बिल्डर है। इट्स ऑल्सो वेरी नोन फॉर इज ग्रीनरी, क्योंकि वो बहुत फोकस करते हैं अपने ग्रीनरी पे।
उनका फॉरेस्टा मना डेल फॉरेस्टा इज वन ऑफ द पॉपुलर प्रोजेक्ट हियर. तो इस तरफ उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये जो मना डेल है वो आसपास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है. मैंने आपको दिखाया जी प्लस 28 प्लान है ये. और इनका जो ओपन स्पेस है वो बहुत अच्छा लगा, अच्छा है. नेक्स्ट मेरे पति से सुन लेते हैं. तो इनकी एक चीज़ बढ़िया है कि इन्होंने बेसिकली चार ही टावर बनाया है, 70% ओपन स्पेस दिया है. एकर वैसे थोड़ा छोटा है, इनका 7 एकर है, बड़ी टाउनशिप टाइप की नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज इन्होंने प्रोवाइड कर दी है. इनका क्लब हाउस भी अराउंड 55,000 स्क्वायर फीट का है. तो इन चार टावर में इन्होंने एक चीज़ बढ़िया की है कि हर टावर में एक फ्लोर पे चार ही यूनिट है, विच इज समथिंग मेरे को लगता है बेंगलोर में बस शोभा देता है, बाकी कोई नहीं देता. इसलिए इनके वॉल्स भी शेयर नहीं कर रहे, कॉमन वॉल्स नहीं है, ओपन स्पेस अच्छा है. तो वो कॉमन वॉल्स नहीं है, वो एक प्लस पॉइंट है इनका. तो दैट इज अ गुड थिंग. एमिनिटीज के बारे में, एमिनिटीज भी बढ़िया है, मतलब सारे एमिनिटीज है इनके 7 एकर में, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया. और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इनके पेड़ पौधे हैं ये सारे नेचुरल हैं, एंड दे आर क्लेमिंग कि वो इनमें से एक भी काटने नहीं वाले, लाइक उसको रिटेन करेंगे ये लोग. एक बैनियन ट्री दिखा रहे थे वो लोग, बहुत पुराना, 100 साल बोला उन्होंने, 100 साल पुराना बैनियन ट्री है. वैसे ये इलाका ही पूरा ग्रीनरी है, तो इसमें मतलब आपको पूरी हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगा यहाँ. करेक्ट. और आसपास यहाँ पे स्कूल है, DPS है, नेशनल इंटरनेशनल स्कूल भी काफी है. फिलहाल ये रोड इतना डेवलप नहीं हुआ है जो मेन रोड तक जाते हैं हम लोग सरजापुर का, तो वो थोड़ा अंदर आने में अभी बहुत सारा काम बाकी है. मुझे लगता है ये रोड में भी फ्यूचर में डेवलप हो जाए. फिलहाल ये थोड़ा ऑफ रोड है, आप देख रहे हो हम पीछे साइड से आ रहे हैं. तो दिस इज द कंडीशन. डगडुक डगडुक. बाकी प्रॉपर्टी वाइज अच्छा है ये, एंड फ्यूचर में यहाँ पे डेवलपमेंट का भी स्कोप बहुत है क्योंकि सब कुछ ओपन है, पूरा ग्रीन जोन है बेसिकली, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर. और अभी हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ, तो ये रास्ता वहीं निकल रहा है. एंड ये कंपैरेटिवली शॉर्टर वे है मेन रोड पे जाने के लिए. थोड़ा खाली खाली भी है तो जल्दी पहुँच जाओगे आप. है इसका रोड जहाँ से हम पहली बार आ रहे हैं, ये पीछे वाला रोड है, ये मेन रोड नहीं है. हाँ ये पीछे वाला रोड है, बेसिकली मेन नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी लेकिन गाड़ियाँ आ जा रही है. आते वक्त हम लोग मेन रोड से आए थे, तो हमें जाते हुए बैक रोड से जा रहे हैं. तो बेसिकली मैं दोनों रोड आपको दिखाने के लिए हम इस रोड पे आ रहे हैं कि यहाँ से भी लोग कम्यूट करते हैं, बट इस रोड की कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है. नहीं ये बस ये अराउंड 500 मीटर 600 मीटर ऐसा है, वरना बाकी पूरा पिच रोड है. ओके. जो आई थिंक पहले नहीं था, अब बना दिया है इन्होंने, तो ये भी बन ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स हैं. ओके. तो इन लोगों ने बना के बहुत रोड बना दिया, तो ये भी बन ही जाना चाहिए. ओके. तो ये बस थोड़ी दूरी खराब है, बाकी सब अच्छा. थोड़ी दूर है, ये भी थोड़ी दूरी खराब है, वो भी शायद ये खाली रहता है. दैट्स अ गुड थिंग. दैट्स अ गुड थिंग. अभी बारिश भी हुई थी तो थोड़ा मड है रास्ते में. रोड गया और यहाँ पर आ गई है वापस से हमारी सही रोड. तो ये बैक वाला रास्ता है, आप देखिए यहाँ से हम सीधा सरजापुर रोड पे निकलेंगे. और यहाँ पे विप्रो ऑफिस भी है, तो ये विप्रो ऑफिस का बैक रोड है. यहाँ मैं पहली बार ही हम लोग आ रहे हैं इस तरफ. लेट्स सी यहाँ से कितनी दूर है हमारा मेन रोड. वो रोड निकल के ही आ चुका है मेन सरजापुर रोड. अभी हम इसमें आगे आगे जा रहे हैं और इस तरफ बहुत सारी प्रॉपर्टी है एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट पब वगैरह आ चुके हैं. लेट्स गो सोफाज एंड मोर. तो ये वाला आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये आगे वाला गेट एसेट्स का जो आगे लेफ्ट जाके है. और हम जो आए हैं फिलहाल बहुत पीछे से आए हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा पीछे. वो जो स्ट्रीट 1522 है उससे भी पहले वाला उसने निकाला है. तो मुझे लगता है हाँ हम घुसे यहाँ से थे. तो ये वाला रोड कम्यूट करने के लिए सही है. तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे और सारे व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए. सब्सक्राइब एंड डू हिट अ लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. एंड आई विल सी यू वेरी सून ऑन माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. तो हम आ चुके हैं घर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए, विच इज़ हाउ मच डज इट कॉस्ट. तो ये सवाल हम सबके मन में होता है कि कितने का है फ्लैट, कितने का है, आप पहले वो तो बताओ, बाकी चीज़ें तो चलो हम बाद में पता भी लगा लेंगे. तो लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि क्या है सुपर बिल्ट अप एरिया एंड किसका कैसा स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है.
तो जैसा मैंने बताया कि ये मनाडेल प्रोजेक्ट जो आ रहा है ये 3 BHK एंड 4 BHK में ही है. तो 3 BHK में 3 वेरिएंट है, 1600 स्क्वायर फीट, 17 और 18, एंड देन 4 BHK. तो जो 16 सबसे मिनिमम का मैं बताती हूँ, उस हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे कि बाकी का कितना है. ऑलराइट, जो 1600 सुपर बिल्डअप एरिया का प्राइस चल रहा है 8850 पर स्क्वायर फीट, तो उस हिसाब से आप उसमें और जोड़ लीजिए मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लब मेंबरशिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स. तो वो सब जोड़ के आपका जो 1600 3 BHK का बन रहा है प्राइस, इट इज़ 1.6 CR. वो भी उसमें थोड़ा पॉइंट वॉइंट है आगे पीछे. तो ये उनका बिगिनिंग प्राइस है जो आप समझ लीजिए वो चार्ज कर रहे हैं. का उसके ऊपर ऊपर आप जाएंगे तो और 1.8, और जो 4 BHK है उसका जो हमने प्राइस चार्ट देखा था, इट इज़ कमिंग एज 2.1 CR. तो 4 BHK का आपको 2 करोड़ से ऊपर लगने वाला है. ऑलराइट, तो ये था पूरा प्राइस चार्ट. आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा महंगा चल रहा है. तो बेसिकली इन एंड अराउंड सरजापुर देयर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप विद A1 बिल्डर्स, एंड दो ही एरिया है इन बैंगलोर जो बहुत ज़्यादा बूम में चल रहे हैं नियर टू IT टेक पार्क आर वाइट फील्ड एंड सरजापुर. वाइट फील्ड में ये जो वर्थूर है, पनाथूर है, काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है एंड प्राइस बहुत ज़्यादा है ऑफकोर्स, एंड लोग ले भी रहे हैं. तो इफ यू वांट टू चेक आउट नियर टू योर IT टेक पार्क, ये दोनों एरिया बहुत बूम पे है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रॉम मनाडेल. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड इफ यू डू हिट अ लाइक बटन. आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. तो इसी तरह हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे प्रॉपर्टी रिव्यू फ्रॉम बैंगलोर. इट कुड बी एनी एरिया, नॉट स्पेसिफिक टू ओनली 1 or 2 लोकेशंस. सो डू सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच वीडियोस. और इसी तरह मिलती हूँ मैं आपको आगे. तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए. बाय बाय एंड जय हिंद.